अभिषेक बनर्जी कल के शपथ ग्रहण समारोह के लिए सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को निमंत्रण गया है, अभी तक हमारे नेताओं को निमंत्रण नहीं आया है। जब हमारे इंडिया जनबंधन के नेताओं को निमंत्रण आएगा, अगर वो आएगा, उस पर हम विचार करेंगे। नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का ऑफर दिया गया था, उसी तरफ जानकारी हमारे पास नहीं है। CWC यूनानिमसली रिक्वेस्टेड श्री राहुल गांधी जी टू टेक द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पोजिशन। अभिषेक बनर्जी कल के शपथ ग्रहण समारोह के लिए सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को निमंत्रण गया है, अभी तक हमारे नेताओं को निमंत्रण नहीं आया है। जब हमारे इंडिया जनबंधन के नेताओं को निमंत्रण आएगा, अगर वो आएगा, उस पर हम विचार करेंगे। केसी त्यागी ने एक बड़ा बयान दिया है, उन्होंने ये दावा किया है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का ऑफर दिया गया था। इस बयान पर आप क्या जवाब देना चाहेंगे, क्या प्रतिक्रिया है, और उन्होंने इसको अस्वीकार कर दिया। उसी तरफ जानकारी हमारे पास नहीं है। क्या ऑफर खुला है, आपको जवाब मिल गया? क्या भविष्य में सर नीतीश जी को प्रधानमंत्री का ऑफर दिया जा सकता है? आपको जवाब मिल गया। और सर, कोई सवाल? सर मेरा सवाल ये, आप लोगों ने कहा कि अर्जेंट स्टेप्स आप लोग लेंगे, और जो जहां जहां पे आप लोगों के यहाँ पोल डिबैकल रहा है जिस स्टेट्स में, तो क्या उस स्टेट्स के अलावा AICC भी रिशफल होगा, क्योंकि कई स्टेट्स के अंदर इंचार्जेस भी हैं और सब जो पदाधिकारी वहां से भी आते हैं, तो क्या AICC रिशफल भी होगा? सर, इसी के साथ PCC जो हारे हैं या फिर जो काम ठीक तरीके से नहीं कर पाए राज्यों में, जो जिसके लिए अगर रिजल्ट खराब हुआ है, तो उनको क्या हटाया जाएगा? लाइक बंगाल, अभी वी ऑलरेडी टोल्ड दैट वेयरएवर वी हैव अ पुअर परफॉर्मेंस इन द 2024 इलेक्शन, कांग्रेस प्रेसिडेंट इज गोइंग टू कॉन्स्टिट्यूट अ कमिटी टू लुक आफ्टर एंड टू थरो इन्वेस्टिगेशन, आफ्टर दैट वी विल टेक अ कॉल। थैंक यू सर। हर एक राज्य में जहां हमारा प्रदर्शन हमारे उम्मीदों से कम हुआ है, उसके लिए कांग्रेस अध्यक्ष एक विशेष समिति बनाएंगे, समिति समीक्षा करेगी, राज्यों में जाएंगे और एक रिपोर्ट पेश करेंगे, और जल्द से जल्द जो कार्रवाई करनी है कांग्रेस अध्यक्ष को, कांग्रेस संगठन की ओर से, वो करेंगे। वी आर आल्सो through our national war room, we are also getting booth wise results to analyze the what happened in each states. CWC unanimously requested Sri Rahul Gandhi ji to take the leader of the opposition position in Lok Sabha. All the participants unanimously put up their views on this issue. Everybody was unanimous that Rajul ji should take leader of the opposition position in the Lok Sabha, because we already told, during this election we raised so many issues, burning issues, unemployment, price rise, Agrivir like issues, women issues, social justice issues. So these issues has to be continued in a greater manner inside the parliament also. Rahul ji is the best person to lead this campaign inside the parliament. This is what the CWC's view. Therefore, I think entire CWC feel that in the current scenario of Indian politics, for a better and strong, vigilant opposition, those who want to protect constitution also, should be safe under the leadership of Rahul Gandhi ji as a leader of opposition. This is what the CWC resolution. The request to become leader of opposition in the Lok Sabha. Rahul ji had heard sentiments of the CWC. He told the CWC that he will take a decision very soon. Raibareli. That decision has to be taken before 17th. That decision will come within 2-3-4 days. Subscribe to One India channel and never miss an update.